जी तो आज है जुम्मे का दिन और मैंने पहनी है नई कुर्ती। जैसे कि आप देख सकते हो ये मैंने नई कुर्ती पहनी है। जुम्मे जुम्मे को मैं पहन ही लेती हूँ। वैसे मैं कपड़े पहनने की मतलब न्यू सूट पहनने की बहुत ज़्यादा चोर हूँ। जो मेरे साथ रहते हैं वो इस बात को बाखूबी समझ सकते हैं कि मैं कपड़े पहन मतलब न्यू कपड़े पहनने की बहुत ज़्यादा चोर हूँ। आम अक्सर आप लोगों ने देखा होगा यही दुपट्टे में मुझे, और मैं यही दुपट्टे में मेरे घर का है, नमाज का है। और इस दुपट्टे से कुछ ख़ास वजह भी है इस दुपट्टे की, जो कि मैं छोड़ती नहीं हूँ। एक वजह ये भी है, और बल्कि वजह ही यही, मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ती। मेरे पास जितना अच्छे से अच्छा दुपट्टा आ जाए, थ्री पीस सूट हो उसका दुपट्टा हो जाए, लेकिन मैं घर में जो है यही पहने रखती हूँ। तो इस दुपट्टे से मुझे इस वजह से कुछ ख़ास उनसियत भी है, जो कि मैं इसको नमाज के लिए भी पहनती हूँ, वैसे भी पहनती हूँ। और आप लोग भी मुझे बारह देखते होंगे इस दुपट्टे में। ये दुपट्टा नहीं है, चादर है पूरी। तो बहरहाल जी, तो यहाँ पर मेरी चिकन आ गई है चिकन टिक्का बनाने के लिए, और मैं आज बनाने लगी हूँ चिकन टिक्का। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो लेकर आ गए हैं, जो है लेकर आ गए हैं आज ये लेग पीसेस डलवा दिए उन्होंने। पता है इसके टिक्के कैसे मैं बनाऊँगी, मैंने तो कभी नहीं बनाए। बहरहाल इसको वॉश करते हैं, इसको मसाले लगाते हैं और फिर बनाते हैं चिकन टिक्के। जल्दी जल्दी मैंने वॉश किया ये लेग पीसेस को, और इसके कट भी लगा दिए। काफ़ी हेल्दी चिकन थी ये, कट लगा दिए। ठीक है, इसको ऐसे कट लगा दिए और वॉश भी कर लिया। अदरक लहसुन, इसमें से दही ले लेंगे, एक बाउल लेंगे, एक अदर स्पून लेंगे। आज बिहारी सीख कबाब मसाला ही मेरे पास रखा होता, क्योंकि मेरे पास डिब्बे जितने भी ये होते हैं ना मसाले, वो रखे होते हैं। और हाशिर के बाबा जो हैं, यानी मेरे हस्बैंड जो हैं, हस्बैंड तो जा चुके हैं ऑफिस, तो मैंने सोचा क्यों ना यही मसाला बना लिया जाए, सीख कबाब मसाला। वैसे फ़र्स्ट टाइम मैं चिकन पे लगा रही हूँ, वरना चिकन टिक्का मसाला ही लगाती हूँ। लेकिन चलो ट्राई करते हैं, क्या मसला है, कुछ नहीं होता तो ट्राई करते हैं। वैसे जायका थोड़ा सा चेंज ही होगा, क्योंकि सीख कबाब है मटन का और ये चिकन का, फ़र्क तो होगा। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी है मैं यही डालूँगी और कुछ मसाला ऊपर से भी ऐड कर दूँगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैंने सीख कबाब मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट और दही ये कर दिया। लेमन मेरे पास नहीं था, और ये मैं हाथ से ही इसको मसाले लगाऊंगी, ताकि जो कट है ना इसके अंदर अच्छा सा मसाला लग जाए। मुझे नहीं पता है चिकन कितनी है, बस मेरे मियाँ साहब ने मुझे ला के दी और मैं बना रही हूँ। ठीक है, और वैसे भी मैं किसी को रेसिपी तो दे नहीं रही, बस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये सारी चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। ठीक है, और इस तरीके से इसको जो है मसाला बनाते हैं और इस पर लगाते रहते हैं। लीमू जो है मैं रात में ही लगाऊंगी, जब हस्बैंड आ जाएंगे ना शाम में, तो फिर मैं उनको बोलूंगी लेमन लाते आते हुए लेके आना, तो फिर मैं इस लेमन को भी ऐड कर दूंगी। ठीक है, मैंने जब भी कभी घर में बनाए तो टिक्के ही बनाए, इस तरीके से नहीं बनाए। अब लेमन इसमें डालना है, वो मैं शाम में जब ये आएंगे ना तो मैं इनको बोलूँगी कि आप लेमन ले आओ। ये मैंने चिकन को और मेरे हाथ कुछ इस तरह से हैंड, और मेरे हैंड जो हैं कुछ इस तरीके से हो गए हैं टिक्के वाले हैंड। सोच रही हूँ इसको भी रोस्ट कर लूँ। तो खैर जो है वो मैं अब ये देखो रेड रेड कितना हो गया हाथ। अच्छा खैर, ये मैंने पूरा मैरिनेट करके रख दिया है, इसको मैरिनेट करके रख दिया, छोड़ दिया है। ठीक है, शाम तक अब जब भी बनाने होंगे तो इसके टिक्के बना लूँगी। फर्स्ट टाइम मैं लेग पीस के टिक्के बना रही हूँ, वरना मैं टिक्कों के टिक्के बनाती थी। जी तो अब आगे, हाय रीम फातिमा, कैसी हो, ठीक हो? नहीं ठीक हो, नहीं ठीक हो। मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई, मेरी बेटी की ना तबीयत ख़राब हो गई, इसको ना बुखार आ गया। मुझसे तो ऐसा बैठ ही नहीं जाता हरीम फातिमा, आओ ज़मीन पे बैठ जाते हैं। ऐसे हम लोग ज़मीन पे बैठ गए। जी तो हरीम फातिमा को बुखार हो गया है, हरीम फातिमा को अभी मैंने दवाई पिलाई है। हरीम फातिमा अभी अच्छी अच्छी हाँ अच्छा अच्छा फील कर रही हूँ कि तबीयत सही नहीं है, कह रही है मम्मा मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई और मुझे ना खेलने दें। अभी स्कूल से आई थी ना, इसको फीवर था,
इतना ज़्यादा फीवर था, हम सब परेशान हो गए क्योंकि हरीम फातिमा में हमारी जान है, है ना। हरीम फातिमा में हमारी जान है, हमें हरीम फातिमा बहुत अच्छी लगती है ना, मम्मा को भी बहुत अच्छी लगती है और बाबा को भी, बाबा को भी चीका भी। तो अच्छा, हरीम फातिमा माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही है, फ्रेश है। इतनी ज़्यादा गर्म हो रही थी आपको मैं बता नहीं सकती। और इनके बाबा बता रहे थे जब मैं क्लास में लेने गया ना, तो हरीम फातिमा जो है ना, ये देखो मैं ऐसे बैठी हुई हूँ ज़मीन पर, तो जो है ना हरीम फातिमा को इसके बाबा बता रहे थे कि हरीम फातिमा को इतना बुखार लग रहा था कि हेड डाउन होके अपनी सीट पर लेटी हुई थी। तो बस मैंने जब सुना तो मैं इतनी परेशान हो गई, मेरा इतना दिल दुखी हुआ इसलिए कि बेचारी हेड डाउन होगी और हमें पता ही नहीं। खैर फिर ये घर आए तो जब भी मैंने इग्नोर किया, और लेकिन ये कि इधर आई तो फिर मैंने इसको ठंडे पानी से नहलाया और अच्छे से इसको नहला धुला के दवाई पिलाई। अभी इसने कुछ खाना नहीं खाया और इसको अभी मैं ना चाय और डबल रोटी खिलाऊंगी। जी तो YouTube फैमिली, आज से जो है मेरा चैनल का जो नाम है ना वो है सबा फैसल व्लॉग, ठीक है। जो मेरा पहला चैनल हुआ, मतलब पहले वाला चैनल ही अभी भी चैनल है, आप लोग कंफ्यूज ना होना। मैंने कहा मेरे वो सब्सक्राइबर्स जो बेचारे बिल्कुल न्यू हैं, नहीं नॉलेज रखते हैं YouTube के बारे में, या ये नाम चेंज हो गया परेशान होंगे, तो मैंने सोचा मैं उन लोगों को जो है ना अपने वीडियो के थ्रू जो है मैसेज दे दूंगी कि आप परेशान ना हो, मैंने कोई दूसरा चैनल नहीं बनाया बल्कि वही चैनल का नाम चेंज कर दिया है, ठीक है। अपने चैनल का नाम चेंज करके, यानी सबा की दुनिया जो चैनल था उसका नाम चेंज करके सबा फैसल व्लॉग कर दिया, ठीक है। फैसल मेरे हस्बैंड का नाम है, तो मैंने अपने हस्बैंड के नाम से अपना चैनल बना दिया है सबा फैसल व्लॉग, ठीक है। तो मेरा चैनल वही चैनल है, जस्ट नाम चेंज हुआ है जी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा मैसेज समझ आ गया होगा, जो मैं मैसेज देना चाह रही हूँ वो आप समझ गए होंगे। जिन मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे सब्सक्राइब मेरे चैनल को किया हुआ है वो परेशान ना हो, उनको नोटिफिकेशन वैसे ही आया करेगा, बस नाम जो है चेंज के साथ आया करेगा, ठीक है। पहले नोटिफिकेशन सबा की दुनिया के साथ आता था, यानी सबा की दुनिया ने की तरफ से नोटिफिकेशन आया, लेकिन अब जो है सबा फैसल व्लॉग की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आया करेगा, ठीक है। चैनल मेरा चेंज नहीं हुआ या मैंने दूसरा चैनल नहीं बनाया, वही चैनल का नाम जो है वो चेंज करके, यानी सबा की दुनिया चैनल को चेंज करके सबा फैसल व्लॉग कर दिया है। थैंक यू सो मच। मैंने सोचा आप लोग परेशान ना हो तो मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू जो है अपना मैसेज देना देकर जो है बात को एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक यू सो मच। जी तो बस यहाँ पर मेरा टिकट देख सकते हो रेडी हो चुके हैं, इनको कलर दे रही हूँ और ये कलर देके मेरे टिकट रेडी हो जाएंगे। और ये नीचे जो है कोयले को भी मैंने लगा दिया है, कोयला गर्म हो रहा है, मेरा हाथ गर्म लग गया है। तो ये मेरे टिक्के रेडी हो चुके हैं बड़े मुश्किल से, देखो बिल्कुल नहीं टूटे, मैंने बिल्कुल टूटने नहीं दिया। और इसको इतनी मेहनत से मैंने हल्के लो फ्लेम पे इसको ढककर जो है पकाती गई और बस ये मेरा रेडी हो गया, ठीक है। सिंपल से मेरे मैं इस तरीके से बना लेती हूँ, ठीक है। मैं चाह रही थी कि लेग पीस टूटे नहीं, तो क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया, रोज तो बनाती रहती हूँ लेकिन टिक्के मैंने लेग पीस के नहीं, क्योंकि वो टूट जाती है, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह नहीं टूटी, मैंने नहीं टूटने दी। तो ये मेरे रेडी हो गए हैं टिक्के। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।